थैंक यू फॉर द डाइटिंग। कब तक रखनी होती है राखड़ी? सातम आठम तक, नवरात्रि तक, दिवाली तक, क्या होता है? राम राम सारिया, अभी अपने का चालू हो गया है। तो फटाफट बोलिए, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। पहले फटाफट बोल रहे तो के अच्छे नहीं बोल रहे तो नहीं बोलो, बोलो नहीं बोलना, अरे बोल नहीं आवे, नहीं बोलना। कितना दिवस नो प्रोग्राम छे? त्रण दिवस नो छे। शू आवे तू? तो पप्पा ने व्हाट्सएप में लख दे आई मिस यू एम। पप्पा रोता है ने ओ पप्पा। उस साइड वाला खंभा तो पूरा कोरा है अभी। ब्लाउज का अभी पैसा 500-600 रुपए देता है, तो ब्लाउज भी थोड़ा दिखना चाहिए ना यार। अच्छा करला हेवी पहनते हो, 5-5, 10-10 हजार की आती है। हाँ, तो दिखना चाहिए, दिखना तो चाहिए ना। बहुत बढ़िया। और फिर ऐसे ऐसे करे तो ऐसे तो भी ऐसे ऐसे तो जी बजने वाले हैं। नाउ हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, हैप्पी, हेल्दी, एंजॉयिंग वेयर एवर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कल के वीडियो में बहुत सारा आप लोगों को कनिष्क और हेजू की जो फाइट थी वो देखने में मजा आया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। आवाज़ कर रहा है, उसने मेरे को देख लिया। हाँ, तेरे को पूरा सूरत सुन रहा है अभी। और पापा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज का सुविचार, आज का सुविचार है शिक्षा उसे कहा जाता है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता विकसित करती है। सही बात है, उसे शिक्षा बोलते हैं। तो उसे शिक्षा, तो पढ़िए और अच्छी शिक्षा लीजिए। ओके ठीक है। और यहाँ पे देखो फुटबॉल चल रहा है, कनिष्क जैसे ही बॉल देखता है ना उसके पास। और गाइस आज का वेदर कुछ इस तरीके से, प्योर ब्लू स्काई, बहुत बढ़िया देख सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा क्लाउडी, चकाचक। एक घंटे का पीरियड अभी खत्म होने वाला है। अच्छा, कनिष्क को रखने के लिए। ओके ओके। तो पापा सवेरे से लेके उधर तक गए, इधर आए, एंजॉय किया, पसीने से लथपथ हो गया। चलिए गाइस यहाँ पे नाश्ते के साथ साथ राखड़िया खुलने भी लग गई है, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। कब तक रखनी होती है राखड़ी? सातम आठम तक, नवरात्रि तक, दिवाली तक, क्या होता है? 11 तक, पूनम तक रखते हैं। हाँ खबर क्या रखो, जहाँ लगी वागे नहीं त्या लगी राखो। दिल से जब तक रखे तब तक रखने का, बाकी निकाल डालने का। हम लोग तो ऐसा सोचते, मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ, जब तक ऐसा अच्छा लगे तब तक रखने का, बाकी निकाल डालने का। जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर द डाइटिंग, हमारे को रोटी देने के लिए। आज मैंने रूखी सूखी रोटी और चाय दूध खाया है, बहुत बढ़िया। तो राम राम सारिया, अभी अपने का चालू हो गया है डाइटिंग। इंस्टाग्राम में 2 मिलियन फॉलोअर है का हमारे। ए गुंडा आ गया, देखो अभी किसी को बात नहीं करने देगा वो, ए करते रहेगा। सबसे बड़ा है, बनने वाला है। हाँ। बड़ा होगा ना तो एजू तो सिर्फ रोने में ही रहेगी। हाँ। ये सब उसके पास से लेके सब कुछ खेलेगा, सब कुछ करेगा। हाँ। एजू को सिर्फ रोना ही है। जितना शांत है ना अपना काना, उतना ही शैतान बनते जा रहा है वो, और वो चाका जाम शैतान बन रहा है। ये देखो कल भाई बहन दोनों की ही कमेंट आई थी। हाँ। वो झगड़ रहे थे, कितना मार मार कर रहा है। उसे जितना भोला दिख रहा है ना उतना ही शैतान है, गुंडा होने वाला है। तो फनी छे मारो काना। वैसे भी कानूडा का मतलब कर्तव्य है कि वो शैतान बने। हाँ। तो अपना काना ऐसा ही है, देखो नटखट नटखट। अभी देखो व्हाइट कलर पहले पकड़ेगा। बहन ऐसी नहीं होगी जिसने अपने भाई के ढीके पाटे नहीं खाए होंगे, खाए ही होंगे। तो ये चल रहा है अभी बहुत बढ़िया मात्रा में। और हाँ, कल क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन का हमारा जो त्यौहार का जो क्या बोलते हैं दिन था वो बहुत बढ़िया रहा। और सब लोगों के अच्छे अच्छे आशीर्वाद, सब लोगों के सदैव भाइया बहना जितने लोग देख रहे हैं थैंक यू सो मच। और हमारी बहना भी हमको बहुत मिस कर रही थी, हमने भी अपनी बहना को बहुत मिस किया। बट मेरी जो लास्ट में जो तबीयत बिगड़ गई थी वो तबीयत कुछ और सो लिया था मैंने, और सोने के बाद मैं रो नहीं रहा था भाई। मेरे को ऐसा जल्दी रोना नहीं आता है इतना, मैं थोड़ा सख्त इंसान हूँ तो वो थोड़ा हो। रोते हैं तो दिखाते नहीं है, बहुत। आज मैं सोच रहा हूँ मम्मी और सारिका आपको सिखाए कि साड़ी कैसे पहने। ठीक है गाइज, तो एक साड़ी का सेशन लेते हैं, क्योंकि कमेंट आए थे कि साड़ी कैसे पहनते आप दिखाइए। तो जी बजने वाले हैं 11:30, और अभी का अपडेट ये है कि घर पे भाई कोई नहीं है। ये बता क्यों रहा हूँ मुझे पता नहीं है। मम्मी सारिका और कनिष गए हैं हाउसिंग में शॉपिंग करने के लिए, पापा है ऑफिस पे, हार्दिक गया हॉस्पिटल, और मैं अभी बैंक से आया हूँ वापस, और हेजू है स्कूल पे। ये है अभी का अपडेट भाई। हम हूँ मजा आई ले। कोई नहीं डरा यार मेरे को। पर वन कितनी मजा आ रही है, जा रहे हैं ना यात्रा में तो थोड़ा। आज तो मम्मी ने क्या मतलब कि क्या ही बताओ क्या करा वो, मैं आपको अंदर आके अंदर आके। बहुत मोटे उपाड़े के साथ गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्या शॉपिंग करके आए हो पहले तो वो ये तो पहले मम्मी की कुर्ती थे ना उसके दुपट्टे नहीं थे क्या, अमेरिका में दुपट्टा डालना वैसा कुछ नहीं था। ओके तो अभी मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ा दुपट्टा चाहिए। ओके तो मम्मी जा रहे हैं
દ્વારકે ભાઈ દ્વારકા ને નાથ પછી આગળ હું तो इसमें क्या हुआ, हम दुपट्टा लेके आए, बाद में एक स्टोर पे खड़े रहे और मम्मी ने बोला मैं यहाँ पे खड़ी रहती हूँ कनिष्क को लेके, तू फटाफट से जाके कॉफी वाली चॉकलेट लेके आ। अच्छा। तो क्या है कि वहाँ पे मम्मी यात्रा में दो तीन दिन, तीन या चार दिन रहने वाले, तो वहाँ पे अगर चाय नहीं मिली तो मैं कॉफी वाली जो पिपरमेंट आती है वो मैं मुंह में रखूंगी ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने चाय पी ली। okay. तो मैंने बोला कोई नहीं। okay. तो कॉफी की एक ही चॉकलेट आती है कॉफी को, अगर आपको याद हो तो। okay. हाँ तो फटाफट बोलिए, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। पहले फटाफट बोल रहे तो के अच्छे नहीं बोल रहे तो नहीं बोलना। चलो आगे बढ़िए। हाँ तो मैं बिल करवा के वापस आ गई। मम्मी ने बोला मैं, અરે આ નથી ખાવી, આપણે આમ ગયા હતા ત્યાં, તું નહોતી લાવી કોફી ની, ઈ ખાવી। ફિર સે હમ લોગ અંદર ગયે, બહોત ઢૂંઢી, વો દુકાન વાલી ને ભી બહોત ઢૂંઢી, કોનસી માસી બોલ રહે, કોનસી બોલ રહે। તો મમ્મી ને એ છી લે, અરે યાર એલ્પેન લી બે, એ તો પૂરા ગાંવ ખાતા હે યાર। વો દીદી ભી બોલી, મે ભી બોલા, ઇસમે કોફી નહીં આતી। મમ્મી કે નહીં, ઇસમે કોફી કા હી ટેસ્ટ આતા હે। આ લે લે મમ્મી, યાર તેરે કો कौन सब वीडियो देखते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, वो लड़की वीडियो देखती है ना, वो बोली मासी कल इस नतर तेड़ ली दो। क्यों, ये तो सेहत ले आता, मैं कॉफी कॉफी करो, आ कॉफी नहीं नथी, लेकिन मले स्वाद है ना सारो लागे से। मम्मी एमा चा, मैं तने हूं कीधु तो गिरनार नी चा लई लेवन कीधी ने तने, गरम पानी नाखी। ये तो छे, चा तो मळ छे, जग्या एवी व्यवस्थित मळे ने, त्यां जी लोको बनावे, रसोईयो साथे छे, 3 दिवस नी ट्रिप छे। ओ माय गॉड, माय गॉड, बहुत बढ़िया भाई, 3 दिन की ट्रिप है मम्मी की और बहुत चाका चा। वहां पे बिल करवा रही थी तभी हम बोल रहे थे ना इसमें कॉफी नहीं, मम्मी क्या तोड़ी नु चाखी लो, मैं चाखो, तो वहां पे मम्मी ने इतना खोला और ऐसे महसूस होता ना तो कॉमेडी हो जाती, बट स्टोरी में इतना ज्यादा वो, पर एनीवे मम्मी वेरी गुड है के, तारे चाय जोती हो तारा दीकरा ने फोन कर जे, तारे ज्यां जो ज्यां हो ने, अरे त्या मळ आपताना छे। પણ વેલા મોડું થાય ને તો આ એક ચકલી લે, ચોકલેટ તો મને બિલકુલ ભાવતી જ નથી। ઓકે, પણ આ વાલી પીપરમેન્ટ ભાવે, આ વાલી પીપરમેન્ટ ભાવે, ચલીએ વેરી ગુડ। અભી એ કાનુડા કો થોડા નહેલા ને ધોલા ને કા કામ કીજીએ, ઓ મેરા ભાઈ જો હે ના વો મેરા દીકરા, બહુ ચોખારો રહે, નજર લાગે એવું જોઈએ એમ, તો તું ચાખી જો, તમને કોફી જેવો સ્વાદ આવશે ખાલી। હા સરસ, મેરે કો નહીં ખાલી, હમ છોટે થે તો બીકા સેમ હી ટેસ્ટ હે। હમ आल्पेन लिबे में कॉफी बात है कुछ भी। तो जी बच चुके हैं शाम के 5:30 और यहाँ पे हमारे कान्हा जी एंजॉय मार रहे हैं पापा के साथ, बहुत बढ़िया। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि मम्मी का पैकिंग हो चुका है स्टार्ट, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। पैकिंग कहाँ पे पहुँचा है आपका? बस पहुँच गया। पहुँच गया, हो गया, बहुत बढ़िया। 3 दिवस में हूँ पैकिंग करवाने। ओके वेरी गुड, तो चाका जाम बेड जोड़ी कपड़ा डाल देने का और बहुत बढ़िया आशीर्वाद लेके आएंगे और एंजॉय करेंगे और मचावेंगे। आप लोगों को थोड़े विजुअल्स अगर हो सके, मम्मी वीडियो है तो ले लेजे फोन में, थोड़ा वो तो लेस मन तारा में हाले तो बस हाले। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आपको बोलना चाहता हूँ, पप्पा क्या मशीन देख के आए हो आप? ये जो आरओ मशीन है, हाँ, फिल्टर मशीन है, हाँ, वो कैंगन वाटर है, हाँ, लेकिन कैंगन वाटर का रिव्यू बराबर नहीं आया। अच्छा, बराबर नहीं आया है? नहीं। तो गाइस आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके घर पे कौन सा वाटर प्योरीफायर या फिर कौन सा वाटर, क्या बोलते हैं, जो भी है आप आरओ वारो कौन सा यूज करते हो, कौन सा कंपनी का अच्छा आता है, कमेंट में डालिए, हमको जानने का है, क्योंकि हमारे घर का मशीन जो है वो उसका लिमिट खत्म हो चुका है, तो अभी हमको नया लेने का है। तो मार्केट में कुछ भी होता है ना, देखो क्या होता है कि अपने लोग क्या करते हैं, मार्केट में रिव्यू लेते हैं, गाड़ी लेने की होती है तो भी दो तीन लोग को पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी अच्छी चल रही है, क्या चल रहा है। अगर कुछ चीज़ लेने की होती है तो भी, तो हम आपको पूछना चाहते कि वाटर प्योरीफायर कौन सा अच्छा हो सकता है। देखो हमारे घर पर म्यूनसिपालिटी का पानी आता है, तो मीठा पानी आता है हमारे घर पर, और कुछ एरिया में खारा पानी होता है, मतलब खारो पाट होता है, तो उसका मशीन भी अलग आता है, मीठे पानी का भी मशीन अलग होता है। हमको सिर्फ बोरिंग का प्योरीफायर चाहिए, हमको वो आरो बारो नहीं लगवाने का। तो प्योरीफायर कौन सा अच्छा आता है वो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मतलब किए जी क्या भाई, क्या बात, क्या क्या हाल है, बढ़िया, बस बढ़िया, चाका जाम ठीक है। गाइज आज मैं तेरे बुलेट लेके गया था, बहुत बढ़िया चलती है भाई बुलेट, बुलेट लेके एक वीडियो बनाते हैं भाई। बुलेट का 2016 में लिया था तो 7 साल हो गया होगा। ओ माय गॉड, तो गाइज चका चक 7 साल हो गए ले भाई बुलेट के, चका जाम ब्रो। चलिए अभी सारी का थोड़ी देर के बाद आएगी और तब मचाएंगे,
साड़ी बनाने साड़ी पहनने का थोड़ा एकदम वो बनाएंगे अभी, क्या बोलते हैं, एकदम ऐसे डिटेल देंगे। साड़ी पहन के दिखा, साड़ी मतलब क्या, मेरे को पहना तू, मैं चलूंगा मॉडल। कितना दिवस नो प्रोग्राम छे? 3 दिवस नो छे। आ तो મને લાગે 15 દિવસ ની તૈયારી ચાલુ છે, બૈરાવન બધું તૈયાર કરવાનું હોય ને, 3 દિવસ માં 15 દિવસ ની ભેગી તૈયારી કરે છે। ઓહો, અરે ના, કાઈ 15 દિવસ નું નથી લેતી એમ, પણ જે હોય યાદ કરીને લેવું પડે ને। તો પપ્પા આપ મમ્મી 3 દિવસ તો અમારે ભજન મિસ કરવાના ને। મિસ આપ મમ્મી કો કેટના મિસ કરો ગે પપ્પા, उनको तो मिस करेगा लेकिन भजन व्यूअर्स मिस करेगा ना। नहीं पर मम्मी को कितना मिस करेगा? हाँ, वो तो मिस करेगा। रोता है वो मम्मी? कोई मिस ना करे मारे कनिष सिवाय। कनिष ने येजु येजु बोलता सीखे એટલે येजु मिस करशे पहला, पछ मार कनिष। एम तो ये व्यूअर्स जो देख रहे वो मिस नहीं करेंगे? व्यूअर्स तो मिस करे पर घर पे होते ही ज्यादा मिस करते हैं ना। तो भाई मम्मी 3 दिन के पापा यार तुम यार मम्मी लेटर लग जो बोलो चिट्ठी लग पहले व्हाट्सएप में डालोगे पहले आई मिस यू एम पहले ने लेटर तो ना बताऊं ना यार ये ना हैंडराइटिंग बहुत सारा था तुम्हारे पे पड़ा है तो दिखाना ना लेके आना कल। अगर आपको मम्मी पापा के पुराने लेटर्स देखने हैं तो कमेंट कीजिए, पापा ने बताया है तो कल के वीडियो में हम लोग दिखा सकते हैं। तू तू पापा ने व्हाट्सएप में लग जाए आई मिस यू एम आया लगता आवर तू नित का है तो बोलता था ना फोन कर दे। तो क्या लिखती थी मम्मी तू टपल में? वो का रंगत देखो ऐसा चेंज हो गया। जयदीप तो बस हाव गांडा यू करे चल मने बन कर हूं कहो तने ए आ ले ले गांडा यू करे। मम्मी शर्मा गई है। पापा वो लेटर लेके आना आप। मेरे को दिखाने का है, मेरे को खुद को देखना है कि मम्मी क्या लिखती थी और पापा क्या लिखते थे उस जमाने में। जो बातें होती थी वो क्या होती, क्या हूँ तू हूँ मम्मी तो क्या हम दीट थोड़ी कहाँ नौ है कहाँ याद है नहीं छटा गेम पर हम तू हाँ हम हारू लगती ने के मन याद है मम्मी को पसीना हो गया ये सुन के। काम करता है ना वो? अच्छा नहीं बट कैमरा ले कैमरो मने मजा आई। जा बहुत मस्त से जो बात फेरी नहीं की मम्मी तू पापा ने मिस कर जे यार ऐसे बात नहीं घुमाने का। हां जा हो ना कितना मिस करेगी? बहु तो जी बहुत बढ़िया मात्रा में मम्मी की साड़ियां आ चुकी है। मम्मी ढगलो करो मम्मी तुम्हें तो ढगलो मारी अपने नहीं। अच्छा हां अच्छा वो दिखाए थे आपने वो जो क्या बोलते हैं उसको ब्लाउज के पीस दिखाए थे उसकी सब साड़ी आ गई है। ओके चलिए इसमें से कोई भी एक साड़ी अच्छी से सिलेक्ट करके दिखा दीजिए आ जाइए। किसको पहनाओगे? चलिए तो मम्मी ने बहुत बढ़िया फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी ले ली है चकाचक। वाह भाई वाह। किसको पहनाओगे? मेरे को पहनाओगे या सारिका को? सारिका। चलिए सारिका जी। तो भाई मम्मी है ना आपको डिटेल में बताएंगी कि कैसे होती है साड़ी पहनने का स्टार्ट प्रोसेस। मम्मी आप हिंदी में ट्राई करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। नहीं बोल से सारिका ओके ओके चलिए। तो बच्चे लोग सेट हो चुके हैं, केजीएफ संभालने वाले हैं क्योंकि क्या होता है हेजू तो संभल जाती है बट कनिष्क को है ना ओ इट्स रियली हार्ड मैन। तो पहले साड़ी पहनने से पहले चनिया पहनिए और ब्लाउज पहनिए उसके बाद साड़ी पहनना है। ओके तो अभी मम्मी थोड़ी नीचे पहना है। तो गाइज ये प्रोसेस बहुत मेरे को आप जो चनिया पहनेंगे ना पेटीकोट उसमें डालना खोसना है। ओके गांठ मत वरना हम व्यूअर्स हम जो करेंगे वैसे ही करने लगेंगे ऐसा मत करना। ये तो अभी मैंने वो पहना नहीं है इसलिए यहाँ गांठ बांधी है। ओके मेरे को ऐसा लगा बाली में आ गए हम बाली में ऐसा पहना था शायद याद है तुझे वैसा नहीं करना है। इतना सिंपल सी यहाँ पे नोट बांध देनी है। ओके ओके मेरा पलाजा थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ऐसे 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 और ऐसे ऐसे हो गया। ओके यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ से स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड आगे बढ़िए बहुत फाइन। अभी फिर से एक राउंड लेना है। ओके ऐसे करके हाँ ऐसे करना ये और ऐसे करना। ओके ऐसे करना और ऐसे ये अंदर जाना है अंदर जाना है आई रीते करवानू हाँ पछी ऐसे जाना है। ये देखिए देख सकते हो आप लोग तो जितनी ये छोटी पाड़ेंगे ना उतनी अच्छी रहेगी एकदम आपकी हाइट वगैरह दिखेगी। ओके तो जितना पतला शोल्डर यहाँ पे रखेंगे ना उतनी अच्छी आपको लगेगी दिखेगी। ऐसा करना ओके ऐसे लुक एट दैट वाओ लाऊं पकड़ो वेरी गुड वेरी गुड। तो मम्मी ये अंदाजित ये साड़ी कितने मीटर की आती है? 6 मीटर 6.5 मीटर की ब्लाउज होते हैं 6.5 मीटर
चाका जाम ये देखिए, ओ माय गॉड ये पीछे से डाला तुमने मम्मी, ऐसे करना साड़ी इजी नहीं है। ओ, ओके। ये वाला पल्लू है ना थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही लंबा है मम्मी। ओके वेरी गुड, ये पल्लू आगे से इधर से ऐसे होता है और ऐसे होता है। ओके तो उस साइड वाला खंभा तो पूरा कोरा है अभी, तो कोरा ही रहता है जयदीप क्या मम्मी कोरोना थी। ओके 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 इसमें पिन लगा, ब्लाउज का अभी पैसा 500-600 रुपए देता है तो ब्लाउज भी थोड़ा दिखना चाहिए ना यार। अच्छा करना, हाँ ये पिन लगा दिया है इधर, बहुत बढ़िया। ओके तो थोड़ी देर ये वाला ऐसे कर देना, पाटली पाट देना और नीचे का भाग थोड़ा। ओ नीचे का पाटली, ये किधर से आया? अच्छा ये वो तो छोटा रखा था ना, वो राउंड नहीं लिया था तभी ये छोड़ दिया था। ओ भूल जाएगा व्यूअर्स, तो तू ऐसा से कर नहीं आई थी पाड़वन पाटली मार उन तो। अच्छा चलिए तो वो जो पार्ट बचा है उसको ऐसे ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 ओके। अभी जी पल्लू है ना, ये साइड पल्लू है ना, तो ये साइड पाटली आती है। हां बंगाली पहनते हैं तो ए साइड पाटली आती है। ओके ए साइड ए बी साइड, तो इस साइड पूरी यहाँ पे खोस लेनी, खोस देनी है। ओके वेरी गुड, और यहाँ से आपके जो पेटीकोट पहना है दोनों के बीच में से यहाँ पे पिन लगा देनी है। अच्छा, ताकि आपके साथ बच्चा हो आप जितना भी ऐसे उसे करे ना तो भी निकलेगा नहीं तो आपके पेटीकोट के साथ और ये जो पाटली है उसके साथ एक पिन बांध देनी है, वो मत भूलना। ओके ओके तो गाइस ये तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ये होता है ना, ये होता है ना खुला, ये थोड़ा ब्रिज बन मुझे गया। मतलब मैं जैसा पहनती हूँ ऐसे बताती हूँ, बस ज्यादा ये थोड़ा लंबा okay. नहीं ऐसा ही जितना लंबा होगा ना हाँ। ये आपकी हाइट दिखेगी। अच्छा ढींच के नहीं दिखोगे, ढींच के नहीं दिखोगे। ओके वेरी गुड, वैसे मम्मी तो रेगुलर पहनते वो सिंपल वैसे पहनते है। अच्छा और ये वाली है वो यहाँ तक। अच्छा पिन यहाँ तक लगाए तो चलेगा नहीं, तो मम्मी हमारा पल्लू दिखे क्या है, जितना भी पैसे खर्च किए सब पैसे दिखने चाहिए। ओह ओके साड़ी तो ये साड़ी का जो बॉर्डर है वो दिखना चाहिए, पल्लू के पैसे यहाँ पे दिख गए, ब्लाउज के पैसे यहाँ से दिख गए। ओके और नीचे के पैसे यहाँ से दिख गए, मतलब पैसे सब दिखने चाहिए आगे पीछे सब। ओके ओके वेरी गुड, पैसा दिखना चाहिए भाई, खर्च किया है 600 रुपया तो पूरा 600 बस। ये तो मम्मी लूज ले, 600 वाली नहीं है, आप उधर एग्जांपल आप हां वो तो रेगुलर वाली है ऐसे ऊपर। ओके ओके रेगुलर हेवी पहनते हो 5-5, 10-10 हजार की आती है। हां तो दिखना चाहिए, दिखना तो चाहिए ना। बहुत बढ़िया, और फिर ऐसे ऐसे करे तो ऐसे तो भी ऐसे तो पिन अच्छे से लगानी है। और दूसरी बात एक पिन, ये मम्मी की लूज साड़ी है ना तो बहुत पता नहीं चढ़ रहा है, और ये वहाँ ऊंचा करके यहाँ पे भी एक लगा देनी है ब्लाउज के साथ, ओके, ओके। तो पिन नहीं दिखेगी आपको और यहाँ पे अच्छा सा हो जाएगा, तो गरबा भी ले सकते हो ऐसे ऐसे ढंकणंगण ढंकणंगण। और एक यहाँ पे लगानी है ब्लाउज के, ओके वेरी गुड, यहाँ ब्लाउज आता है ना पीछे वाले, वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ से हाँ। ओके तो गाइज ये था मम्मी और सारिका का बहुत बढ़िया सा साड़ी पहनने का, बहुत इजी है जैसे मम्मी को आप देख सकते हो ऐसे इतनी रोज पे तो परफेक्ट। तो ये था, इसको बोलते हैं गुजराती साड़ी। मैं डोली जैन का वीडियो बहुत देखती रहती हूँ तो दो मिनट में इतनी अच्छी साड़ी पहन लेती है ना। डोली जैन को मैं पर्सनली मिला हूँ, डोली जैन शी इज अ रियली गुड पर्सन एक्चुअली, उसका जो बोलने का स्टाइल है कम्युनिकेशन स्किल है। साड़ी पहनने का 35,000 रुपया लेते हैं, मैंने देखा है भाई, मैं शादियों में जाता हूँ ना डोली जैन आती है साड़ी पहनाने के लिए, ओ माय गॉड आई एम लाइक सो अनबिलीवेबल, कोई साड़ी पहनाने के इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया है अलग अलग पैटर्न में। ये देखो ओ हो हो अप्सरा लाइक जो सारी का अप्सरा बहुत सरस सुंदर लागे छे। અને જો તમને જો પાટલી પાડતા ન આવડે ને તો આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે, આ એક પિન મારી ને આ પછી આમ છૂટું રાખી દેવાનું। ઓકે વેરી ગુડ આઈ લાઈક ઈટ। તો ગાઈસ બચ ચુકે હે 7:30, અભી હી એક મીટિંગ ફિનિશ હુઆ હે બહોત બઢિયા વાલા ભાઈ, બહોત લેટ હો ગયા એડિટિંગ કરને કે લિયે, અભી બેઠ રહા હું એડિટિંગ મેં, યે વિડિયો કે લિયે ઇતના હી, મમ્મી કા ભજન લેના થા પર લે નહીં પાયા, બટ આઈ થિંક મેં લે લુંગા, કલ કે વિડિયો મેં બહોત સારા અચ્છા परफेक्ट मात्रा में मैशअप वाला भजन ट्राई करूंगा देने के लिए। तो ये वीडियो को लिए इतना ही, लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू नमस्ते जय हिंद बाय बाय टेक केयर, सी यू टुमारो, चाक का जाम मचाने का।